किए, फिजिक्स में 25 में से 23 दो रॉन्ग किए और बॉटनी में 3 रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो 100 में से 95 लेके आए, तो इनको हम थोड़ा सा मोमेंटो देते हैं। ओके, और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जर्नी का? मेरा नाम नीता है। मैंने इससे पहले भी नीट की तैयारी की थी, पर मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। उस टाइम पे मैंने दो दो अटेम्प्ट किए थे उसके। फिर मैंने दो अटेम्प्ट, ठीक ठाक स्कोर था, पर इतना स्कोर नहीं था कि मैं क्वालिफाई तो हुई थी पर सेलेक्ट हो पाऊँ, इतना स्कोर नहीं था। फिर मैं उस दिन से तो मैं हार गई थी कि मेरे को लगा मेरा नहीं होगा यूँ। फिर 2 साल घर पे रही, फिर पापा ने, और पापा के फ्रेंड का लड़का था, उन्होंने बताया था इस कोचिंग के बारे में कि मेहता सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। तब से मेरा एम हो गया कि मुझे कैसे भी करके सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना ही है। हाँ, अभी कंसेप्ट बहुत, मतलब पहले ठीक, मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता था, अभी वो कन्फ्यूजन मिट रहे हैं और कंसेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। देखो, मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ दो दो साल एलन सेंड बोलो, बड़े बड़े कोचिंगों से पढ़ के जब वो यहाँ आके पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत सारा मैटर दिया गया था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक चीज़ें, वो कोई क्लियर नहीं करता है। बात समझो ना, तो मेरा फोकस मेन यही रहता है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के अपन बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को सीखें। साइंस बहुत इजी है, बस आपको अपना नज़रिया और पढ़ने का तरीका दोनों चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी मैंने 20 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, तो मैंने देखा है कि कुछ भी टफ नहीं होता है। बोलो, आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि आज सर कह रहे ये टॉपिक बहुत टफ है, वो सब इजी होता है, बट उसको इजी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इनसे आपको भी इंस्पायर होना और आपको भी अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अगर कोई अच्छा स्कोर ला रहा है तो आप भी कर सकते हैं, बस अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप करते आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और गर्ल्स है जिनका इनसे बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, ठीक है, जिनका नाम है कृष्णा शुक्ला, ठीक है। कृष्णा शुक्ला बोलो, बॉय है कृष्णा शुक्ला। ओके, तो वो कंफ्यूजिंग इसलिए हुई क्योंकि क्लास में कृष्णा गर्ल भी है, ठीक है, इसलिए। ओके, इनका कृष्णा ही है ना। ओके, अच्छा कृष्ण शुक्ला है, ओके सॉरी, है ना। तो इनका 100 में से 94 राइट हुए हैं, तो जिनके बायोलॉजी में तो 50 में से 50 पूरे ही राइट है, केमिस्ट जूलॉजी और बॉटनी दोनों में से। केमिस्ट्री में 2 रॉन्ग है और फिजिक्स में 4 रॉन्ग है, वो भी इन्होंने स्लीप मिस्टेक की होगी, घर पे जाके चेक किया होगा, ठीक है। तो आपको भी आपका ये मोमेंटो देते हैं जिससे आपको अगले टेस्ट में और अच्छे लेके आए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और मेरा नाम कृष्णा शुक्ला है, और जब मैं 12th के बाद ड्रॉप किया था मैंने एलएन में, और मेरा 500 स्कोर आया था, पर मेरा उस रैंक में नहीं आया था। तब मैं कॉलेज मिले, फिर मैं सर के पास आया और मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो गए, और सर के वजह से मेरे अभी 9 नंबर भी बहुत अच्छे ही आए। थैंक यू सर। तो आपको भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और बस आपको मेरी नज़र से आपको देखना है कि फिजिक्स भी बहुत इजी है, केमिस्ट्री भी बहुत इजी है, और बायो भी बहुत इजी है। मतलब जो कंटेंट हम पढ़े
वो ऐसा होना चाहिए जो टू द एग्जाम हो, बात समझ ना। मतलब मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं लिखाता हूँ, बट जो लिखाता हूँ वो टोटली एग्जाम बेस्ड होता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस की बात है कि बोलो किस टॉपिक में क्या आता है और किस तरह से चीजें पूछते हैं, मैं उसी पे फोकस रखता हूँ, ठीक है। तो अगले टेस्ट में और आप सबको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और हमेशा अपना पहले वाले रिजल्ट से बेस्ट करना है, बात समझ ना। बेस्ट मतलब समझ गए कि अगर मेरे 100 में से 40 राइट हुए तो अगली बार मेरे 50 होने चाहिए। छोटे छोटे अपने टारगेट बनाओ, बोलो कि मैं क्या कह रहा हूँ समझ, बोलो आपको अपना अपना अलग अलग बोलो स्कोर सबका रहता है, किसी को निराश नहीं होना, अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। जो इम्प्रूवमेंट करता है वो सक्सेसफुल होता है, जो इम्प्रूवमेंट नहीं करता वो सक्सेसफुल नहीं होता। गलतियाँ सब करते हैं, हो सकता है किसी का बोलो दो चार टेस्ट के बाद अच्छे नंबर आएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें मेन जो गेम खेलना वो एग्जाम वाला है, बोलो उसका हम बोलो इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी स्लिप मिस्टेक को दूर करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर फिजिक्स में कम आया तो उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है। किसी को लगता है यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, ये थोड़ी जूलॉजी बॉटनी अंदर नहीं जा रही है, तो आपको उस पे वर्क करना है, बात समझ ना। ओके, मैंने देखा है बहुत सारों ने बोलो फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया, बायोलॉजी में कम किया, किसी ने बायोलॉजी में अच्छा किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कम किया। तो वो अपना अपना पोटेंशियल होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कोई वीक होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को यहाँ पर सब पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अपन अब स्टडी करते हैं, ठीक है।